हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो पहले तो तुम ये रिकैप देखो। कॉलेज एग्जाम डन सर। तो ऐसा था कुछ यार पिछले 15 दिन, और अब मैं बता देता हूँ जल्दी से कि क्या क्या प्रोग्रेस हुई है। बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई है, पर फिर मैंने लिख लिया एक जगह पे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने लेवरेज और EBIT EPS एनालिसिस वाला कर लिया पोर्शन, इंट्रोडक्शन कर लिया थोड़ा। फिर मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर बैंकिंग के अभी तक सिर्फ 4 लेक्चर ही करें। ऑडिट की बात करूँ तो सेक्शन 139 से 147 तक मैं निपटा चुका हूँ। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो ABC एनालिसिस वगैरह वो सब स्टार्ट कर दिया। उसके अंदर ट्रेडिशनल वगैरह था ना अप्रोच, वो भी मैंने कर लिया है और अभी वो चल रहा है। एग्जैक्ट मेरे को टॉपिक वाइज नाम नहीं पता, तो ट्रेडिशनल तो हो चुका है और एक्सपोनेंशियल वगैरह जितने आते हैं वहाँ तक मैं हूँ। ऑपरेटिंग मैनेजमेंट में मैं फोरकास्टिंग मैंने ख़त्म कर दिया है कल ही, और इसके अलावा क्या बचा है, कॉर्पोरेट अकाउंट हो गया, OM FM मैंने अभी स्टार्ट वो सब नहीं छोड़ा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वगैरह, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और बाकी साथ में मेरा रेजोल्यूशन था यार, इस साल मेरे को 12 बुक्स पढ़नी है, तो मैंने पहली बुक उठा लिया, द साइलेंट पेशेंट। ये मैं लेके आया था मेरे पिछले ब्लॉग में, तो मैंने देखी होगी अगर, और ये मैंने ख़त्म कर दिया। खैर बहुत ही बढ़िया है, पेज टर्नर, इसको थोड़ा थ्रिलर में इंटरेस्ट देख सकता है। बाकी मैं नेक्स्ट 15 डेज में फिर से आके अपडेट दूंगा। तो जो अपना ग्रुप 1 भी कर रहे हैं, तो इस वीडियो में आकर तुम अपना नीचे लिखो, कमेंट्स में बताओ तुम कहाँ तक अपनी क्या प्रोग्रेस है, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो अपनी प्रोग्रेस बताएंगे। ग्रुप 2 वाले तो आएंगे ही आएंगे। और मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे मिलो, और मिलते हैं जल्दी। बाय, पीस आउट।